बड़ी खबर सामने आ रही है जम्मू कश्मीर को लेकर। सूत्रों के हवाले से बड़ा खुलासा हुआ है और खुलासा ये हुआ है कि जहां एक तरफ देखिए जम्मू कश्मीर में चुनाव को लेकर तैयारियां देखने को मिल रही है, उसी को लेकर ये जानकारी सामने आई है कि साजिश का पर्दाफाश हुआ है, यानी कि जम्मू कश्मीर में बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। पाकिस्तान में एक टेरर कैबिनेट भी बनाई गई है। ये तमाम जो जानकारियां हैं वो सूत्रों के हवाले से निकलकर सामने आ रही है। टेरर कैबिनेट में कुख्यात आतंकी भी शामिल है। जम्मू कश्मीर के चुनाव में आतंकी साजिश यहां पर रची जा रही है। आतंकियों को अलग अलग काम भी सौंपा गया है। तो एक तरफ जहां देखिए चुनाव आयोग लगातार समीक्षा बैठक करता हुआ नजर आ रहा है, स्थितियों की जानकारी ले रहा है, लेकिन दूसरी तरफ किस तरीके से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। पाकिस्तान को यह हजम नहीं हो रहा है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे और यही वजह है कि टेरर कैबिनेट जो है वो चलाई जा रही है पाकिस्तान की तरफ से। और हमारे साथ हमारे सहयोगी वैभव सीधे जुड़ रहे हैं। वैभव, बहुत बड़ा खुलासा है, टेरर कैबिनेट यानी तैयारी बड़ी थी लेकिन इस तैयारी को नाकाम करने के लिए भारतीय सुरक्षा बल भी अलर्ट है। वैभव, क्या कुछ और अपडेट मिल रहा है? देखिए बिल्कुल सलोनी, अब से कुछ दिन पहले जब चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तब इस बात का जिक्र भी किया था कि जम्मू कश्मीर में शांति बहाली और विकास के रास्ते पर अगर घाटी को ले जाना है तो उसके लिए विधानसभा चुनाव बहुत जरूरी हो और चुनाव आयोग इसको लेकर बुरी तरह से तैयार है। अब खुलासा ये हो रहा है कि टेरर कैबिनेट का जो है वो पाकिस्तान में गठन किया जा रहा था। किस आतंकवादी की कौन सी जिम्मेदारियां होंगी इस चुनाव में खलल डालने के लिए, हर एक शख्स की जो है वो जिम्मेदारी भी इसमें नियुक्त की गई थी। यानी कि कुल मिलाकर इस आतंकवादियों की टेरर कैबिनेट का मकसद यह था कि घाटी के अंदर आने वाले विधानसभा चुनाव में किसी भी तरह से शांति भंग जो है वो की जाए और इन चुनावों को ना होने दिया जाए, उसको लेकर हर पूरी मुमकिन तैयारी जो है वो की गई थी। लेकिन अब इस पूरी तैयारी का खुलासा वो हो चुका है कि कैसे पाकिस्तान के अंदर टेरर कैबिनेट जो है वो बनाई जा रही थी, इसमें कई कुख्यात आतंकी जो है वो शामिल थे और सबकी बड़ी जिम्मेदारी, अहम जिम्मेदारी थी कि घाटी के अंदर किस तरह से इन चुनाव में जो है वो खलल डाली जाए। क्योंकि बताया जा रहा है 20 अगस्त वो तारीख होगी जब चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घाटी में विधानसभा चुनाव की तारीखों का बिल्कुल वैभव ये जानकारी मिल रही कि टेरर कैबिनेट का गठन किया गया था आतंक को एक तरह से और पोसने के लिए, पालने के लिए, लेकिन भारतीय सुरक्षा बल भी तैयार दिखाई दे रहे। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे जहां आपको बताएं कोलकाता में भारतीय जनता पार्टी ने प्रदर्शन किया। जिस तरह से ट्रेनी डॉक्टर का मर्डर और रेप किया गया उसके बाद लोगों में नाराजगी और आम लोग भी इस प्रदर्शन का हिस्सा बने हैं। तस्वीरें लगातार सामने आ रही है जहां लोग अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं कि जो ट्रेनी डॉक्टर जिसकी हत्या कर दी गई है उसे न्याय दिया जाए। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं बड़ी संख्या में लोग उतरे हुए हैं। तस्वीर दिखा रहे हैं आपको हम कलकत्ता के सड़कों की, जहां पर भारी संख्या में जो महिलाएं देख रहे हैं आप वो यहां पे प्रदर्शन कर रही हैं। बीजेपी का ये प्रदर्शन है जिसमें बीजेपी के तमाम जो सीनियर लीडर्स हैं उनकी भी मौजूदगी है। कुल मिलाकर के जो मांग है वो इस बात को लेकर के कि आखिर ऐसे हालात कब तक, संदेश खाली के बाद। दरअसल ये ऐसा मामला है जिसने पूरे देश को चौंका दिया है। यहां तक कि देश भर में जो तमाम डॉक्टर्स हैं वो भी प्रदर्शन कर रहे हैं, कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, सिक्योरिटी की मांग कर रहे हैं। कल ही जेपी नड्डा से मुलाकात भी की गई थी डॉक्टर्स के एसोसिएशन की ओर से और आज सड़कों पर बीजेपी के कार्यकर्ता और तमाम महिलाएं। तो तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं, ये बीजेपी की कार्यकर्ता हैं, महिला कार्यकर्ता अब सड़कों पर उतरी हुई हैं, प्रदर्शन कर रही हैं। इसके अलावा आम लोग भी इसका हिस्सा बन रहे हैं क्योंकि उनको इस पूरी घटना ने स्तब्ध कर दिया है, हैरान कर दिया है। जिस तरह की हत्या, नृशंस हत्या की गई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से देखिए जो खुलासे हुए हैं वो सन्न कर देने वाले हैं, डराने वाले खुलासे हुए हैं और उसको लेकर नाराजगी देखी जा रही है लोगों में भी, क्योंकि डॉक्टर्स तो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं बंगाल सरकार से, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की जो महिला विंग है वो भी प्रदर्शन कर रही है, उनके साथ आम लोग भी दिखाई दे रहे हैं। हमारे सहयोगी भास्कर जो लगातार तस्वीरें हमको बंगाल से दिखा रहे हैं उनका रुख कर लेते हैं। भास्कर, बड़ी संख्या में महिलाएं उतरी हुई हैं, बीजेपी से जुड़ी हुई महिलाएं तो हैं, आम लोग भी हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं कि बंगाल में ये क्या हो रहा है। बिल्कुल, देखिए ये तो सबसे बड़े सवाल है कि बंगाल में आखिर क्या हो रहा है। जिस तरह से एक सरकारी अस्पताल के अंदर एक डॉक्टर की धर्षण और खून हो गया, उसी के खिलाफ यहाँ पे प्रदर्शन चल रहा है भाजपा की तरफ से और सारे बंगाल भाजपा के सारे सीनियर लीडर्स यहाँ पे मौजूद हैं। और सबसे बात करना चाहूँगा, अब जिस तरह से ये प्रदर्शन चल रही है, बहुत सारे महिलाएं, बहुत सारे आम आदमी, उन्होंने भी यहाँ पे जुड़े हैं बीजेपी के साथ
और इंद्रनील खान जो कि डॉक्टर भी है, खुद एक डॉक्टर भी है। इंद्रनील जी, जिस तरह से अस्पताल के अंदर एक डॉक्टर की रेप और मर्डर हो गया, आखिर बंगाल में क्या हो रहा है? देखिए, आजीकर मेडिकल कॉलेज कोलकाता का बिजिएस्ट मेडिकल कॉलेज है, जहाँ हजार हजार रोगी रहते हैं, सौ सौ डॉक्टर सब उनका सेवा करते हैं, ऑन ड्यूटी रहते हैं। उसमें कोलकाता पुलिस का आउटपोस्ट है उस कैंपस के अंदर, फिर भी ये जो नाटकीय घटना घटा है इसका और इसको पूरा दबाने का जो प्रयास किया है राज्य सरकार, उसके खिलाफ आज पूरा पश्चिम बंगाल के छात्र युवा राजपथ में है। आज पूरा लोग पश्चिम बंगाल के हर घर में आज एक ही बात है कि नारी सुरक्षा दो, उसके बाद आप लोग बाकी नारी को वोट बैंक की तरह ट्रीट मत करो। आज पूरा पश्चिम बंगाल और मेरा वीडियो जर्नलिस्ट डेवलप्ड हो तो अब आपको दिखाएंगे किस तरह से बड़ी संख्या में जो भाजपा के कर्मी है और जो आम आदमी वो सड़क पे आ चुके हैं और बार बार सवाल एक ही उठ रहे हैं कि आखिर बंगाल में क्या हो रहा है। राहुल जी, वरिष्ठ भाजपा नेता हम लोग के साथ जुड़े हैं। राहुल जी, ये एविडेंस टेम्परिंग की एक एलिगेशन आ रहे हैं सामने, जो फुटेज रिपब्लिक बांग्ला के पास भी है, आखिर क्या हो रहा है ममता सरकार के अंदर? देखिए, ममता सरकार हर परिस्थिति में सत्तों को छुपाने का काम में कैसे बीजेपी का प्रदर्शन हो रहा है। ममता सरकार से सवाल किए जा रहे हैं, ये पूछा जा रहा है कि आखिर इसमें लीपापोती क्यों की जा रही है। अपने दर्शकों को अब हम आरजी का अस्पताल का भी दृश्य दिखा दें, यहाँ पर भी लगातार प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन जिस जगह मैं हूँ ये इमरजेंसी वार्ड है और यहीं से देखिए सीबीआई की जो टीम है वो अंदर गई थी। आइए थोड़ा सा आगे आइए, देखिए सीबीआई की टीम जो है यहीं से अंदर गई थी और यहाँ से तीसरे फ्लोर पर जाकर वो अब इन्वेस्टिगेशन कर रही है। एक घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, हाथ में हमने देखा था सीबीआई टीम के जो थी उनके मेंबर्स के हाथ में कुछ इंच टेप भी थी। पूरा एकदम मेजर किया जाएगा कि उस रूम का साइज कितना है, जितने भी सारे इक्विपमेंट्स होते हैं वो सभी सामान पूरी सीबीआई टीम के हाथ में थे। यहाँ पर देखिए पूरी सिक्योरिटी का ये पैरा है, यहाँ से अंदर जाने की हमें इजाजत नहीं है, लेकिन आपको बता दें यही सबसे कुछ देर बाद सीबीआई की टीम बाहर निकलेगी और ये माना जा रहा है कि लंबी अभी जो इन्वेस्टिगेशन है वो चल सकती है। एक घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चला है और तीसरे फ्लोर पर सेमिनार हॉल में सीबीआई टीम की मौजूदगी है। आपको बता दें बीते दिन ही हाईकोर्ट की तरफ से सीबीआई को इस मामले की जाँच सौंपी गई है, क्योंकि लगातार जितने डॉक्टर्स ड्यूटी पर प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं अपनी ड्यूटी छोड़कर, उनका यही कहना था कि मामले में निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए, इम्पार्शियल प्रूफ होनी चाहिए और जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक ये प्रदर्शन चलता रहेगा, क्योंकि इन छात्रों को पूरी तरीके से ये संदेह है कि इस घटना में एक नहीं बल्कि कई आरोपी इन्वॉल्व हैं जो खुले आसमान में आराम से घूम रहे हैं, उनको सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। प्रिंसिपल को लेकर भी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं, हालांकि इस अस्पताल के प्रिंसिपल प्रोफेसर संदीप घोष को लेकर हाईकोर्ट ने भी नाराजगी दिखाई थी और हाईकोर्ट ने सीधे तौर पर यह कहा कि प्रिंसिपल से सवाल जवाब क्यों नहीं हुए। प्रिंसिपल कैसे अपना आसानी से इस्तीफा देकर जाते हैं और 12 घंटे के भीतर ही उन्हें दूसरी जगह पर नियुक्ति मिल जाती है। इसको लेकर हाईकोर्ट ने सवाल खड़े किए और कहा कि हम ऑर्डर पास करेंगे लंबी छुट्टी पर प्रोफेसर संदीप घोष को भेजना चाहिए। यहाँ पर तस्वीर आप देख रहे हैं कितना जबरदस्त तरीके से उग्र प्रदर्शन है, रिपब्लिक भारत पर एक एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि सीबीआई की टीम अभी आपसे कुछ देर बाद बाहर आने वाली है।